नमस्कार, मैं प्रिया दयाल, आप देख रही हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी ने संजय राउत पर शिकंजा कसा है। वहीं इस मामले में आदित्य ठाकरे का बयान पहली बार सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये सभी को दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो भी अपनी आवाज उठा रहा है उसे निशाना बनाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह एक पॉलिटिकल सर्कस है, ये जो कुछ भी हो रहा है वह लोकतंत्र के खिलाफ है। आदित्य ठाकरे ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग संजय राउत की गिरफ्तारी का जश्न मना रही हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद को बेच दिया है। ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे देशद्रोही हैं, विद्रोही नहीं, क्योंकि विद्रोही करने के लिए तो आपको साहस की जरूरत पड़ती है। आदित्य ठाकरे ने ये बयान देकर एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि शिवसेना खत्म हो गई है। इस बयान पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये लोकतंत्र के लक्षण नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमें महाराष्ट्र के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या वे ऐसी राजनीति और लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, लिहाजा लोगों को ही तय कर दे। साथ ही कहा गया, उन्होंने कहा कि कोई भी ठाकरे परिवार को खत्म नहीं कर सकता है, आप सभी ठाकरे परिवार हैं। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे, बीजेपी और संजय राउत का बचाव किया है। साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर हमला बोला तो वहीं पर एकनाथ जो संजय राउत है उनका बचाव करते हुए वो साफ तौर पर नजर आए। देखना होगा कि जो संजय राउत पर बयान, जो मामला भी ईडी का शिकंजा कर रहा है वो कब तक आगे चलता है। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट से मांग की थी कि उनको 8 दिन की रिमांड दी जाए संजय राउत की, लेकिन कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए 4 दिन की रिमांड दी है। देखना होगा कि इस रिमांड में और कितने खुलासे होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।